देखिए आपका अपकृत में जो अगला चैप्टर हम उठा रहे हैं वह आपका नेचर ऑफ टार्ट, यानी कि अपकृत विध की प्रकृति क्या है। देखिए कैसे कैसे इसमें आपका क्वेश्चन बनता है वो भी सतर्क बैठिए। क्वेश्चन का मॉडल देखिए आपका, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू किया जाए। आपका पिछले लेक्चर में दो मैक्सिम बताई गई थी, इंजूरिया साइन डायमनो और डायमनम साइन इंजूरिया। दो मैक्सिम हम आगे बताएंगे, आपका यू बी जस आई बी रेमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। और अगला मैक्सिम आपका बतानी है यू बी रेमेडियम आई बी जस, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। उसके पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और यहाँ से भी बिहार से लेकर नेट में और एलएलएम में तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आपका जो क्वेश्चन का मॉडल बनता है आपका मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और प्री के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, यानी कि आपका तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि अपकृत के प्रकृति का उल्लेख करिए, यानी कि जो टाट हम पढ़ा रहे हैं उसका नेचर क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व का आधार बताइए, यानी कि अपकृत्यात्मक दायित्व का आप आधार बताइए, तब भी वहीं लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि यह अपकृत्य विधि है कि अपकृत्यों की विधि है, यानी कि ला ऑफ टार्ट है कि ला ऑफ टार्ट्स है, इस विषय की विवेचना करिए, तब भी वहीं लिखना है। या आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि अपकृत विधि एक बहु विवर कपोत गृह की तरह है, यानी कि पीगन होल की तरह है। पीगन होल यानी कि बहु विवर कपोत गृह का मतलब ये हुआ कि ऐसा कबूतर खाना, ऐसा कपोत गवाच, या ऐसा पीगन होल जिसमें कई खाने हैं, जिसके प्रत्येक विवर में, प्रत्येक विवर यानी कि प्रत्येक खाने में एक नाम दुष्कृत्य अंतर्विष्ट है। दुष्कृत्य का मतलब हमने बताया था अपकृत्य अंतर्विष्ट है, कि उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तब भी वही पढ़ना है। अगला मॉडल बन सकता है कि पीगन होल थ्योरी को समझाइए, कपोत गवाच का सिद्धांत या कबूतर खाने के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करिए, तब भी वही पढ़ना है। या आपका जो क्वेश्चन अगला बन सकता है कि निश्चित अपकृत्यों का सिद्धांत और अनिश्चित या असीमित अपकृत्यों के सिद्धांत की व्याख्या करिए, यानी कि निश्चित अपकृत्य और अनिश्चित अपकृत्य के सिद्धांत की व्याख्या करिए। अब आइए देखा जाए आपका डिटेल में, पहले सामान्य बातें देख लीजिए, क्वेश्चन का मॉडल कुछ आपका बताया जाए और तब डिटेल में इस प्रश्न की व्याख्या की जाए। देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल जो प्री में आता है, पहला मॉडल ये बना है कि किन मुख्य दो विद्वानों के बीच ये विवाद है, यानी कि अपकृत विध के नेचर को लेकर कौन से विद्वान केंद्र में है, या किन दो विद्वानों के बीच मुख्य विवाद है, ये क्वेश्चन आया है। तो
वे दो विद्वान हैं, एक सामंड है और दूसरा विनफील्ड है। यानी कि अगर ये विवाद पूछे कि नेचर को लेकर किनके बीच मुख्य रूप से विवाद है, तो आपका जवाब रहेगा सामंड और विनफील्ड। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पीगन होल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, कबूतर खाने का सिद्धांत किसने दिया, तो आप सामंड मारकर आइए। किसको मारेंगे? सामंड। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कबूतर खाना नामकरण किसने किया, तो विनफील्ड ने किया। चौथा क्वेश्चन जो आपका किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिखाई दे कंपटीशन में कि यह वाक्य ये कह रहा है कि अपकृत्य असीम और अनंत हैं, और न समझ में आए क्योंकि 7-8 लाइन में देगा खूब लिख पढ़कर, जैसे ही आपको लगे कि अपकृत्य अनंत हैं असीम हैं, तो आप विनफील्ड मार कर आइएगा। और जैसे ही आपको लगे कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं उसका आशय यह है कि अपकृत्यों की संख्या सीमित है, यानी कि आपका कम अपकृत्य है सीमित है, तो सामंड मार कर आइए। तो क्वेश्चन ये आया कि सीमित अपकृत्यों की संख्या का सिद्धांत किसने दिया, सामंड ने, और अनंत या असीम अपकृत्यों का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब रहेगा विनफील्ड ने। अब देखिए ला ऑफ टार्ट्स का मतलब क्या हुआ, और ला ऑफ टार्ट का मतलब किताब का नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि सामंड ने इसे ला ऑफ टार्ट्स कहा है, अतः सामंड ने अपनी किताब का नाम ला ऑफ टार्ट्स रखा है, और विनफील्ड ने ला ऑफ टार्ट यानी कि इसे अपकृत विधि कहा है, अतः विनफील्ड ने अपनी किताब का नाम आपका अपकृत विधि रखा है। तो समस्या मुख्य रूप से ये है कि ये जो टाट है या दुष्कृत्य है या अपकृत्य है, आपका यही अटैक करना है आपको कि ये ला ऑफ टाट्स हैं कि ला ऑफ टाट है, यानी कि इसका मतलब कि इसका नेचर क्या है। तो दोनों का पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, इसके बाद से भाई आपका हम डिटेल में एक एक पॉइंट चलेंगे। थोड़ा लंबा यह चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है। पहले तो सामंड का क्या मानना है ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरा विनफील्ड महोदय का क्या मानना है आपका ये क्लियर होना चाहिए। सामंड ये कहते हैं कि ये ला ऑफ टार्ट्स हैं। ला ऑफ टार्ट्स का मतलब ये हुआ कि पहले से अपकृत निर्धारित है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो पहले से अपकृत निर्धारित है, और अगर उसका मामला यानी कि अगर वादी उन अपकृत्यों में अपना मामला सेट कर देता है तो उसे मुआवजा मिलेगा, और सेट नहीं कर पाता तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये अपने उदाहरण का समर्थन कराते हैं, और समर्थन दो तरीके से कराते हैं, एक कबूतर खाने से अपने उदाहरण को सेट करते हैं, और एक क्रिमिनल लॉ से। तो पहला उदाहरण हम क्रिमिनल लॉ का देते हैं। देखिए सामंड आपराधिक विधि पर अटैक करते हैं, और ये कहते हैं कि जिस प्रकार आपराधिक विधि में पहले से अपराध निश्चित होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उन कार्यों को करता है तभी वह दंड का भागी होता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जहाँ जिसे कि कानूनन कहीं भी अपराध घोषित नहीं किया गया है, तो मात्र कार्य करने के लिए वह दंडित नहीं होगा, क्योंकि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, यानी कि बिना ला के ऑफेंस नहीं हो सकता,
पहले कानून बनाया जाए, किसी कार्य को अपराध घोषित किया जाए, कोई व्यक्ति उस कार्य को करे तब उसे हम क्या दे सकते हैं? सजा। सेम टाट में जोड़िए अपकृत में, तो अपकृत भी असंख्य और अनंत नहीं है। पहले से अपकृतियों का उल्लेख कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत कार्य होता है तो जो पहले से सेट अपकृत है उन अपकृतियों में वह मामला अपना सेट कर दे तो मुआवजा मिलेगा, और न सेट कर पाए तो मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरा सामंड ने जो अपना सिद्धांत दिया ला ऑफ टार्ट्स का, इसको उन्होंने कबूतर खाने से समझाया। तो पहले कबूतर खाना बना लिया जाए, ये मान लीजिए कबूतर खाना है और इसमें हम आपका चार खाना बनाते हैं, तो आपका सामंड ये कहते हैं कि जिस प्रकार कबूतर खाने होते हैं, एक खाने में केवल कितना कबूतर रखा जा सकता है? एक ही रखा जा सकता है। उसी प्रकार अपकृत हैं, अपकृतियों के लिए भी कबूतर खाना ही बना है, और एक एक टाट का नाम इन कबूतर खानों में लिख दिया गया है। अगर एक अधिकार का हनन होता है तो या तो ये पहले कबूतर खाने में अपना उपचार खोजे, या दूसरे में खोजे, या तीसरे में खोजे, या किस में खोजे? चौथे में। अगर चारों में से किसी भी अपकृत में उसका मामला सेट नहीं होता तो ऐसी दशा में आपका ए को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, ए को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, भले ही एक के अधिकार का क्या हुआ हो हना। अब इसके विपरीत भी देखना है। इसके विपरीत बिनफील्ड कहते हैं। बिनफील्ड ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो हर हाल में उसे उपचार मिलना चाहिए, भले ही न्यायालयों को नए नए कबूतर खाना बनाना पड़े। और यानी कि जब तक कि प्रतिवादी का मामला किसी अपवाद में न आ जाए तब तक वादी को उसके अधिकार के हनन होने पर मुआवजा मिलना चाहिए। यानी कि ये ला ऑफ टाट है। अपकृत्य अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक अधिकार के हनन होने पर उपचार हर हाल में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि अब जो पूछा जाता है कि किसका सिद्धांत प्राचीन माना जाता है, किसका उदारवादी, तो सामंड का सिद्धांत रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, प्राचीन है। और जबकि बिनफील्ड कहते हैं कि प्रत्येक अधिकार के हनन होने पर क्या मिलना चाहिए? उपचार। तो किसका सिद्धांत रूढ़िवादी है पूछ ले तो सामंड का, और किसका लिबरल या उदार है पूछे तो बिनफील्ड का। अब आपका यहाँ से मैक्सिम भी याद करना है, कौन से आपका सामंड का जो सिद्धांत है वो शुद्ध रूप से यूबी रेमेडियम आईबी जस पर आधारित है। यानी कि जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। यानी कि सामंड का जो सिद्धांत है ये उपचार को प्रश्रय देता है, अधिकार को नहीं। आपके अधिकार का हनन हुआ तो आप कबूतर खाने में अपना क्या खोजिए? उपचार। अगर उसमें उपचार नहीं है तो आपके भले अधिकार का हनन हो लेकिन आप मुआवजा पा नहीं सकते। जबकि बिनफील्ड का मत है कि अगर हमारे अधिकार का हनन हुआ है तो हमें हर हाल में मुआवजा मिलना ही चाहिए। ये सिद्धांत कहा जाता है यूबी जस आईबी रेमेडियम। यानी कि पूछा भी गया था इस बार, जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है? उपचार। तो बताइए कौन उदारवादी हुआ? बिनफील्ड का। समर्थक किसके सबसे ज़्यादा रहेंगे? बिनफील्ड के। विद्वान करेंगे, न्यायाधीश करेंगे,
केस के माध्यम से समर्थन होगा, वहाँ से भी आपका कोटेशन पूछा गया है, यानी कि आधुनिक जो सिद्धांत हैं यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि अगर हमारे पास कोई अधिकार है, अधिकार का हनन होता है तो हर हाल में रेमेडी मिलना ही चाहिए, उपचार मिलना ही चाहिए। इस बात का उल्लेख ही विनफील्ड करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भूमिका में ये रहा कि दो विद्वानों के बीच मुख्य विवाद है, एक सामंड और विनफील्ड के बीच, कि क्या यह अपकृत विधि है कि अपकृतियों की विधि है। अगर आपका देह की ला ऑफ टार्ट्स है तो सामंड मार कर आना है, और ला ऑफ टार्ट यानी कि आपका विनफील्ड। अगर कहीं दिखाए कि अपकृत सीमित है, कबूतर खाने में सेट है, तब सामंड, और जैसे दिखाए कि अनंत और क्या है, असीम है, तो वैसे ही किसका विद्वान का मारना है, विनफील्ड। अब आइए देखा जाए कह करके आपका अपकृत विध का अब शुरुआत किया जाए भैया, तो आपका सामान्य बातें बताई गई शुरुआती दौर में, अब कैसे क्वेश्चन अचीव करेंगे, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में काम करेगा। मैं फिर बता दूं, एक एक करके छोटी छोटी बात देखिए आपका, आपका अपकृत विधि के प्रकृति के संबंध में विद्वानों में आपका मतभेद है। इस मतभेद के केंद्र में मुख्यतः दो विद्वान हैं, एक आपका सामंड और दूसरा विनफील्ड। सामंड ने इसे अपकृतियों की विधि कहा है, यानी कि ला ऑफ टार्ट्स कहा है, जबकि विनफील्ड ने इसे अपकृत विधि कहा है। सामंड ये मानते हैं कि यह अपकृतियों की विधि है, क्योंकि आपका इसके अंतर्गत कुछ निश्चित प्रकार के अपकृतियों का उल्लेख कर दिया गया है, और उन अपकृतियों के अलावा कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कबूतर खाने में अपकृतियों को सेट कर दिया गया है, अगर वादी के अधिकार का हनन होता है तो वादी उन कबूतर खानों में अपना उपचार खोजे, और अगर उन कबूतर खानों में उपचार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में आपका वादी को कोई राहत नहीं दी जाएगी। अतः यह अपकृत विधि न होकर कैसी विधि है, अपकृतियों की विधि है, ला ऑफ टार्ट्स है। अपकृतियों की विधि का मतलब कई अपकृत है जिसको कि एक जगह क्या कर दिया गया है, एकत्रित। इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ला ऑफ टार्ट्स रखा, और अपकृत विधि के नेचर को अपकृत विधि नहीं कहा, क्या कहा, अपकृतियों की विधि। जबकि दूसरे विद्वान जो विनफील्ड हैं, उनका मानना है कि यह अपकृत विधि है, ला ऑफ टार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, उस अधिकार का हनन होता है, तो उसे हर हाल में उपचार मिलना चाहिए। कबूतर खाने की बात सोचना गलत है, कबूतर खाने से बाहर जाकर भी न्यायालयों को रेमेडी प्रदान करनी चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करके मुआवजे की हम मांग कर सकते हैं, क्योंकि यह ला ऑफ टार्ट है, अपकृत विधि है, और प्रत्येक अधिकार के लिए उपचार क्या होना चाहिए, उपलब्ध। ये दो विद्वान हैं। अब जब दोनों विद्वान आपका आ ही गए, तो अब इन विद्वानों का तर्क देखना है, और इनके समर्थकों को देखना है, और इनकी आलोचना भी करनी है। तो सबसे पहले हम विद्वान जो उठाते हैं, वह सामंड को उठाते हैं। सामंड और इनके
समर्थकों का क्या क्या तर्क है, देखिए आपका एकाएक और आलोचना भी, उसके बाद मिनफील्ड का तर्क क्या है, इनके समर्थक, इनकी आलोचना, और फिर अंत में आप निष्कर्ष निकालिएगा, यानी कि निष्कर्ष जरूर लिखते समय 5 लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए सामंड क्या कहते हैं, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, फिर कबूतर खाना आएगा। सामंड का मत है कि अपकृत्यों की संख्या निश्चित है। निश्चित है का मतलब ये हुआ कि अपकृत असीम और अनंत नहीं है, पहले से ही अपकृत निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि पहले से ही इस बात का निर्धारण कर दिया गया है कि कौन सा गलत कार्य अपकृत के अंतर्गत आएगा। ये मैंने पहले से ही निश्चित है, जिसके परे अपकृत्यात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि जो पहले से अपकृत सेट कर दिए गए हैं, अगर उसके बाहर जाकर कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका उसका कोई टाटियस लाइबिलिटी उत्पन्न नहीं होगी। अंग्रेजी अपकृत विधि नामक, अंग्रेजी अपकृत विधि नामक कोई विधि नहीं है, यह अपकृत्यों की विधि है आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपकृत की विधि कार्य और लोपों की एक सूची है जो निश्चित परिस्थितियों में वाद योग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मुख्यतः दो उदाहरण प्रस्तुत किए, और उन्हीं दो उदाहरणों को हमें देखना है। इन्होंने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कबूतर खाने का सिद्धांत, पीगन होल थ्योरी दिया, कपोत गवाच का सिद्धांत दिया। देखिए इसमें क्या है, फिर एक बार आपका सामंड ये बताते हैं कि जिस प्रकार कबूतर खाने में अनेक खाने या विवर होते हैं, और एक एक खाने में केवल कितना कबूतर रखा जा सकता है एक एक, उसी प्रकार अपकृत में भी कौन कौन से कार्य अपकृत माने जाएंगे ये पहले से निश्चित है, और जिस प्रकार एक एक खानों में एक एक कबूतर रखे जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक खाने में एक एक अपकृत रख दिया गया है, यानी कि अपकृत्यों का क्या दे दिया गया है नाम। अगर वादी के किसी अधिकार का हनन होता है, तो वादी अपना उपचार इन खानों में खोजे, यानी कि या तो अपना मामला कहाँ सेट कर दे, पहले अपकृत में या किस अपकृत में, दूसरे या किस में, तीसरे या किस में, चौथे। अगर वादी के राइट का वायलेशन हुआ है और वादी अपना मामला इन कबूतर खानों में सेट नहीं कर पाता, तो वादी को कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी, कोई मुआवजा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप उपचार की मांग नहीं कर सकते। आप उपचार तभी पा सकते हैं जब आपका मामला कबूतर खाने में सेट हो जाए, यानी कि पहले से जो निश्चित अपकृत्य हैं, उन अपकृत्यों में किसी न किसी में आपका मामला क्या हो जाए, आ जाए। इसको और अच्छे से समझाने के लिए सामंड महोदय एक और सिद्धांत का वर्णन करते हैं, वह आपका आपराधिक विधि। अब आइए आपराधिक विधि का उदाहरण देखिए, समझाने के लिए देते हैं। जिस प्रकार क्रिमिनल लॉ में होता है, तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है पहले ये समझिए। आपराधिक विधि में आपका पहले से ही अपराध निश्चित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, तो वह उस कार्य के लिए तभी दंडित होता है जब पहले से जो कार्य अपराध बना दिए गए हैं, उसमें उसका कार्य सेट हो जाता है। अर्थात आईपीसी का उदाहरण लीजिए,
511 धाराएं दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके अपराध को 511 धाराओं में कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। अगर उसका कार्य 511 धाराओं में कहीं सेट नहीं हो पाता तो क्या उसे सजा दी जाएगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार अपकृत्य पहले से निर्धारित है। अगर आप चाहते हैं कि हम मुआवजा पाएं तो पहले से निर्धारित अपकृत्यों में अपना मामला आप क्या करिए? सेट करिए। अगर सेट नहीं कर पाए, उसमें समाहित नहीं कर पाए, तो आपके अधिकार का कोई प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। यानी कि इनका सिद्धांत यूबी रेमेडियम आईबी जस को प्रश्रय देता है। अब यही सिद्धांत भी समझ लीजिए। यूबी रेमेडियम आईबी जस का मतलब हुआ जहां उपचार है वहां अधिकार है। इसका मतलब समझिए थोड़ा फिर एक बार, डिटेल में तो हम पढ़ाएंगे ही। इसका मतलब, इस मैक्सिम का मतलब ये हुआ कि अधिकारों को प्रश्रय न देकर शुरुआती दौर में उपचारों को प्रश्रय दिया जाता था। अर्थात आपका अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता था तो ये देखा जाता था कि क्या उसके लिए रेमेडी उपलब्ध है कि नहीं। अगर रेमेडी उपलब्ध होती थी तब उसे उपचार मिलता था, और अगर रेमेडी उपलब्ध नहीं होती थी तो भले उसके अधिकार का हनन हो लेकिन कोई उपचार न्यायालय नहीं प्रदान करते थे। क्योंकि शुरुआती दौर में प्रश्रय किसको दिया जाता था? रेमेडी को कि राइट को? रेमेडी को, राइट को नहीं। रेमेडी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके विधिक अधिकार का हनन हुआ, पहले से अपकृत निश्चित है, आप उसमें कहीं सेट कर दिए अपना मामला, तो आपको मुआवजा न्यायालय दिलवाते थे और सेट नहीं कर पाते थे तो आपको न्यायालय कोई मुआवजा नहीं दिलवाते थे। तो आपका जहां तक सामंड के समर्थकों की बात है, आपका सामंड के समर्थक भी हैं और सिद्धांत के समर्थकों में आपका डॉक्टर जेंक्स है, ह्यूस्टन है और स्टैनली ब्रास हैं। इनका समर्थक देखिए, तीन लोग इनका समर्थन करते हैं। डॉक्टर जेंक्स करते हैं, ह्यूस्टन करते हैं, स्टैनली ब्रास करते हैं। आपका कह सकते हैं कि डॉक्टर जेंक्स ये कहते हैं कि सामंड ने कभी यह नहीं कहा कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन नहीं कर सकते। यानी कि डॉक्टर जेंस का तर्क देखिए, फिर कबूतर खाना बना लिया जाए। डॉक्टर जेंस ये कहते हैं कि भाई चार कबूतर खाने पहले से उपलब्ध हैं, एक एक खानों में एक एक अपकृत रख दिए गए उपचार। तो डॉक्टर जेंस ये कहते हैं कि सामंड ने कभी ये नहीं कहा कि पांचवा कबूतर खाना, यानी कि जो पांचवा आपका अपकृत है या नए अपकृत का न्यायालय कर सकते हैं कि नहीं सृजन। लेकिन डॉक्टर जेंस ये बताते हैं कि नए अपकृत्यों का सृजन न्यायालय तभी कर सकते हैं जब वे पहले से विद्यमान अपकृत्यों के क्या हो? समान हो। याद रखिएगा, यानी कि मान लीजिए इस उदाहरण में चार पहले से टाट निश्चित हैं, पांचवा टाट की उत्पत्ति करनी है पांचवे की, तो क्या न्यायालय कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन ये चारों अपकृत्यों के ये पांचवा क्या हो? समान। ये कौन विद्वान कहते हैं इनका समर्थन करके? जेंक्स महोदय। ह्यूस्टन महोदय ये कहते हैं कि सामंड ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि अपकृत विधि पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अर्थात सामंड ने कभी भी ये नहीं कहा कि नए अपकृत्यों का सृजन नहीं किया जा सकता, अर्थात कबूतर खानों की संख्या
नहीं बढ़ाई जा सकती। थोड़ा आपराधिक में जोड़िए भाई, क्या आईपीसी में 511 धाराएं हैं, तो क्या वही धाराएं रह जाएंगी कि नई नई धाराएं भी जोड़कर नए नए अपराधों का सृजन भी किया जा सकता है? तो कई नई धाराएं जोड़ी गई और नए नए अपराधों का क्या किया गया? सृजन। सेम उसी प्रकार ह्यूस्टन महोदय कहते हैं कि सामंड ये कभी नहीं कहते कि कबूतर खाने की संख्या नहीं बढ़ सकती, यानी कि नए नए अपकृत्यों का सृजन नहीं हो सकता। हो सकता है, आपका इसमें कोई शक नहीं है। अब इनकी आलोचना थोड़ा देखिए। आप सामंड का सिद्धांत जान लिए तो सामंड की आलोचना देखा जाए। जहाँ तक सामंड की आलोचना की बात है, एक एक आलोचना पर गौर करिए और अच्छे से देखिए। आपका पहली आलोचना ये है कि इनका सिद्धांत पुरातन है, यानी कि प्राचीन है, लोचहीन है तथा जड़हीन है। क्यों लोचहीन, जड़हीन और पुरातन हम कह रहे हैं प्राचीन? क्योंकि पहले आपका कानून था, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, यानी कि यूबी रेमेडियम आईबी जस। लेकिन वर्तमान समय का कानून है यूबी जस आईबी रेमेडियम, अर्थात जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है? उपचार। दूसरा आपका ये है कि अगर कबूतर खानों में कबूतर खाने की तरह आपका अपकृत्य की संख्या निश्चित कर दिया जाए तो नए अपकृत्यों का विकास रुक जाएगा कि होगा? रुक जाएगा। तीसरा आपका कह सकते हैं न्यायालयों ने अपने निर्णय के माध्यम से नए नए अपकृत्यों का सृजन करके सामंड के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि न्यायालयों ने खुद मोर्चा संभाला और नए नए अपकृत्यों का क्या करने लगे? सृजन। यानी कि कबूतर खाने की संख्या कौन बढ़ाने लगा? धीरे धीरे न्यायालय स्वयं बढ़ाने लगे, विधायिका ने नहीं बढ़ाया। इसके बाद आप एक केस लिखेंगे और वह केस आपका जो सामंड का बिल्कुल विरोध करेगा, एसबी बनाम व्हाइट। मैं बताया भी था आपको, फिर आपका बिहार में कई बार ये केस पूछा जा चुका है। एसबी बनाम व्हाइट के बाद में फिर हम बता रहे हैं, पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था, फिर हम बता रहे हैं। एसबी बनाम व्हाइट के बाद में वादी एक मतदाता था, वह जब वोट देने गया तो निर्वाचन अधिकारी ने उससे मत देने से रोक दिया। जिस प्रत्याशी को वह वोट देना चाहता था वह प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हुआ। तो जो मतदाता या वोटर था, मुकदमा किया सिविल सूट कि हजूर निर्वाचन अधिकारी ने हमारे अधिकार का हनन किया है, राइट टू वोटिंग यानी कि मत देने के अधिकार का, अतः निर्वाचन अधिकारी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। निर्वाचन अधिकारी ये कह रहा था कि हजूर इनके आपका अधिकार का तो हनन हुआ, लेकिन इनको नुकसान क्या हुआ? यानी कि इनको हानि क्या हुई, नुकसान क्या हुआ? एक पाई का भी इन्हें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये वोट देना चाहते थे वो तो भारी मतों से क्या हो गया? विजयी। फिर आपका कह रहा था वादी मतदाता कि हजूर भले ही हमें एक पाई का नुकसान न हुआ हो, लेकिन हमारे अधिकार की तो रक्षा करिए, क्योंकि आपका हमारा अधिकार था वोट देना और इस अधिकार में खलल निर्वाचन अधिकारी ने डाला है, तो हमारे अधिकार की तो रक्षा करिए। तो सामंड का विरोध करते हुए आपका एसबी बनाम व्हाइट के बाद में जस्टिस होल्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। पहला केस है जहाँ से यूबी जस आईबी रेमेडियम शुरू होता है, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है? उपचार। देखिए इसका मतलब क्या हुआ।
जस्टिस होल्ट ने दो तीन बातें बहुत अच्छी बताई, वहीं आपको कवर करना है कि अगर वादी के पास कोई लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो भले वादी को एक पाई का नुकसान या हानि न हुई हो, फिर भी वह वाद दायर कर सकता है और मुआवजे की मांग कर सकता है, क्योंकि और अपने अधिकारों की क्या कर सकता है, रक्षा, क्योंकि अधिकार और उपचार साथ साथ चलते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपचार के बिना अधिकार की बात सोचना भी व्यर्थ है। अगर राइट दे दिया जाए और उसको लागू कराने का प्रावधान ही न हो, यानी कि उपचार ही न हो, तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो आपका इसको संविधान से थोड़ा जोड़े रहिएगा, आर्टिकल 32 और 226 से। अगर हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है और उल्लंघन होने पर हमें मुकदमा करने का अधिकार छीन लिया जाए, रेमडी का अधिकार छीन लिया जाए, तो आप ही सोचिए कि क्या स्थिति होगी। अधिकार का कोई मतलब नहीं, लेकर झुंझुना बजाएंगे, अधिकार है अधिकार है, लेकिन उसको न्यायालय कभी भी मान्यता नहीं देगा, क्योंकि उपचार क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। तो जस्टिस होल्ट ने स्पष्ट, वही आपका आर्टिकल 32 में समाहित है, यूबी जस आई बी रेमेडियम के सिद्धांत पर ही कौन सा हमारा अनुच्छेद है, 32 है, 226 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मूल अधिकार दिया गया है, राज्य हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, तो हमें उपचार मिलना चाहिए। उपचार मतलब न्यायालय में जाकर हम मुकदमा करके अपने अधिकार की क्या कर सकते हैं, रक्षा। तो आर्टिकल 32 में है कि नहीं है? और ये जो रक्षा करने का अधिकार है, ये गारंटी किया गया है, शब्द देखिएगा, प्रत्याभूत, यानी कि मूल अधिकारों के हनन होने पर, वायलेशन होने पर कोर्ट में जाने से रोका नहीं जा सकता आपका, मैं बता दूं, क्योंकि कोर्ट में जाने से रोकना आपका ये मूल अधिकार का हनन ही है, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। क्योंकि आर्टिकल 32 की थोड़ा भाषा पर गौर करिएगा एक बार, 226 में सिक्योर नहीं किया गया है, लेकिन एक बार जाकर देखिएगा घर पर आपका, इस भाग के तहत अधिकारों को समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराने का जो अधिकार है वह प्रत्याभूत किया जाता है, यानी कि सिक्योर किया जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय बाध्य है कि हमारे मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हमें रिलीफ दे। उच्चतम न्यायालय इनकार नहीं कर सकता, ये भी याद रखिए, इनकार नहीं कर सकता, यानी कि आपका बोलने की आज़ादी इत्यादि पर रोक नहीं लगा सकता। अभी तमाम मामले आए हैं, सरकार चाह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय पहले बता दिया जाए, तब वर्तमान से जोड़ा जाए। आप इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 को माना था, और ये माना था कि अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और क्या है, आत्मा, क्योंकि यूबी जस तो क्या होना चाहिए, आई बी रेमेडियम। क्योंकि भाई अधिकार केवल दे देने से तो होगा नहीं, उसको इन्फोर्स कराने का कुछ तरीका भी क्या होना चाहिए उपलब्ध। तो फिर एक बार देखिए, यूबी जस आई बी रेमेडियम का मतलब हुआ पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार का मतलब कि अधिकार भी है और उसी के साथ क्या मिला है, उपचार। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, अधिकार हैं और उपचार नहीं है तो उसको हम अपूर्ण अधिकार कहते हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार नहीं है, अगर ये दे दे कि उपचार नहीं है तो इसे अपूर्ण अधिकार, और अधिकार है उपचार भी है दोनों, तो कैसा अधिकार कहेंगे, पूर्ण। ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीजे में आया था,
और बिहार में भी आ सकता है, मैक्सिम जरूर याद रखिए। आगे देखा जाए, आपका केस के माध्यम से हमने इनकी आलोचना कराई, अंत में देखा जाए आपका आलोचना में, इंग्लैंड में एक कानून पारित किया गया है, कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852। ये भी आपका बिहार में पूछा जा चुका है, सतर्क रहना है। क्वेश्चन ये बना है कि लेखी को या कबूतर खाने को या रिट को या लेख को या आपका जो भिन्न भिन्न अपकृत कबूतर खाने में सेट थे उसको कैसे उन्मूलित किया गया, एवोल्यूशन कैसे किया गया, समाप्त कैसे किया गया। बिहार में क्वेश्चन बना है, तो उसको न्यायालयों ने समाप्त नहीं किया, इंग्लैंड की संसद ने कानून बनाकर समाप्त किया। तो अब पूछा जाता है लेखी को या कबूतर खाने को समाप्त कर दिया गया आपका किस कानून द्वारा, तो कानून गलत ना हो, कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852। तो अब सामंड का सिद्धांत कोई मायने खास नहीं रखता, क्योंकि 1852 से अब क्या स्थिति उत्पन्न हुई ये देखिए। 1852 से शुद्ध रूप से जो मैक्सिम काम करना शुरू कर दी वह यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1852 के बाद क्या स्थिति बनी वो थोड़ा समझिए। 1852 के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है विधिक उसका उल्लंघन होता है तो अब कहीं उपचार खोजने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय में वह जा सकता है और न्यायालय उसके अधिकार की क्या करेंगे, रक्षा। अब कबूतर खाने में एक एक खाना खोदते हुए कि कौन से कबूतर खाने में हमारा मामला सेट होता है, अब इसकी आवश्यकता है कि नहीं? नहीं। ये सामंड और इनके समर्थक और इनकी आलोचना हुई। अब आइए विनफील्ड देखा जाए। विनफील्ड का जो सिद्धांत है ये आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। इनका सिद्धांत आपका यूबी जस आईबी रेमेडियम के सिद्धांत पर आधारित है। अब इनका क्या मारना है, इन्होंने अपकृत विध के नेचर के बारे में बताया कि यह लॉ ऑफ टार्ट है, अपकृत विध है। आपका अपकृत असीम और अनंत होते हैं, किसी कबूतर खाने में सेट नहीं होते, इसके लिए कोई कबूतर खाना नहीं। आपका बिनफील्ड ने इसको अपकृत विध कहा, अतः अपनी किताब का नाम ला ऑफ टार्ट रखा, टार्ट्स नहीं ला ऑफ क्या रखा, टार्ट। तो आखिर इनका तर्क क्या है और इनके समर्थक कौन कौन हैं? तो देखिए इनका क्या तर्क है, पहला सिद्धांत देखिए, प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य जिसका कोई औचित्य या विशिष्ट आधार न हो तथा सभी प्रकार की क्षतियाँ जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को हानि पहुँचाने से घटित हुई है तथा जिसके लिए विध के अंतर्गत कोई बचाव न हो, अपकृत संबंधी दायित्व माने जाएंगे। यानी कि प्रत्येक कार्य पूर्ण दोष अपकृत्य माना जाएगा जब तक कि वह कार्य पूर्ण दोष माने वह आपका दोष किसी बचाव में या किसी अपवाद में नहीं आता। अब आइए पहले आईपीसी से इनका जोड़िए तो तब आपका आगे बताया जाए। आईपीसी में पहले थोड़ा गौर करिए, 76 से लेकर 106 यानी कि जनरल एक्सेप्शन पर थोड़ा गौर करिएगा, उस पर एकदम सेम नियम है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अगर वह अपना मामला 76 से लेकर 106 तक में सेट कर देता है तो वह कितना दंड पाएगा और पाएगा कि नहीं पाएगा कि बचाव का हकदार होगा, बताइए। दंड दंड दिए गए कि बचाव, बचाव अगर 76 से 106 में सेट नहीं कर पाता
तो वह दंड का क्या होगा भागी, अगर 511 धाराओं में कहीं अन्य जगह उसका मामला सेट हो जाए। इसमें कोई शक हो तो बताइए, नहीं तो इसी तर्ज पर आपका बिनफील्ड का हम बताएंगे। फिर हम एक बार बता रहे हैं, क्योंकि तो ये समझ में आ गया तो बिनफील्ड जो कहते हैं वो भी आ जाएगा। फिर एक बार देखिए, आपराधिक विधि में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह दंड का भागी होगा, लेकिन वह दंड का भागी तब नहीं होगा जब वह अपना मामला कहाँ सेट कर दे, तो 76 से लेकर 106 तक। ये अपराध नहीं है बल्कि ये क्या है, बचाव है। तो बताइए, इसको प्रूफ करने का या साबित करने का दायित्व किस पर है, अभियुक्त पर। एविडेंस की भी धारा जोड़े रहिएगा 105। कौन सी धारा, कौन साबित करेगा कि हमारा मामला अपवाद में आता है, एक्यूज, अभियोजन नहीं, अभियुक्त साबित करेगा। कौन सी धारा एविडेंस की, 105। बिहार में तो कई बार रिपीट किया है, पिछली बार भी आया था, कि कौन सी धारा आपका केवल क्रिमिनल में लागू होती है, 105, और बचाव को साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर। अगला नियम देखिए, सेम उसी प्रकार आपका बिनफील्ड की परिभाषा पर गौर करिए। दो ही लाइन की, तीन लाइन की हैं, लेकिन समझिए, आपका वो रट्टा नहीं मारा जा सकता। आपका इतना झउवा भर कानून है बिहार में भाई, आपका जो लोग देना चाहते हैं तो आप प्रयास ये करिए कि दिमाग में एक एक चीज़ बैठाइए। कंपटीशन तगड़ा होता जा रहा है और हम भी आपका प्रयास कर रहे हैं कि सुधार करके पढ़ाया जाए। और आप देखेंगे कि UPJ में जो क्लास चली थी, निश्चित रूप से उसमें कुछ सुधार करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ आपका और टेक्निकल क्वेश्चन नए नए दो चार आए हैं, उस हिसाब को देखते हुए आपका कुछ सुधार करने की आवश्यकता जरूर है। पढ़ते समय भी सुधार की आवश्यकता, पुराने लोग इसीलिए बाहर हो जा रहे हैं प्री से, जो वही पुराना चीज रटे हैं और जैसे ही नया आ रहा है वे कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाई आपका तो पुराना भी चीज़ जानना है और जो नए नए सिद्धांत प्रतिपादित हो रहे हैं वो भी जानना है। वैसे प्रयास किया जा रहा है कि टाट में एक भी क्वेश्चन आपका लेक्चर से बाहर ना जाए, पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि एक पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है, छोटी सी छोटी बात भी बताई जा रही है। तो फिन बिनफील्ड का देखिए, आप क्या कहते हैं बिनफील्ड, बिनफील्ड ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई दोषपूर्ण कार्य किया, उस दोषपूर्ण कार्य के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकार का क्या हुआ, उल्लंघन, तो ऐसा दोषपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी या लाइबिल होगा कि नहीं होगा। जब तक कि ऐसा गलत कार्य करने वाला का कार्य सामान्य अपवाद में या बचाव में या औचित्य के नियम में न आ जाए, तो आपको दिमाग ये लगाना है, IPC में तो सेक्शन है 76 से लेकर कहाँ तक, 106, और टाट में तो सेक्शन ही नहीं है। तो जब अपकृत्य में सेक्शन नहीं है तो फिर एक बार दिमाग में बैठाए रहिए, जो बातें IPC में 76 से लेकर 106 तक में दी गई हैं, अपकृत्य में भी विपक्षी या जो गलत कार्य किया है अपना बचाव लेता है। जैसे एक्ट ऑफ गार्ड हो गया, दुर्घटना हो गया यानी कि एक्सीडेंट हो गया, मिस्टेक आपका हो गया, फिर आपका, लेकिन आपराधिक मामलों में और क्रिमिनल मामलों में थोड़ा बहुत बचाव में अंतर आएगा। और उसी में बिहार आपका कंफ्यूज करता है, पिछली बार बना था वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि जो सम्मति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती, ये तो IPC में भी बचाव है, टाट में भी है। तो IPC की धारा 87 में, और अपकृत में चूंकि सेक्शन नहीं है, तो जब सेक्शन नहीं है
तो ऐसे ही हम बचाव पढ़ेंगे कि आखिर प्रतिवादी कौन कौन सा बचाव ले सकता है। जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया यानी कि विश मेजर यानी कि दैव कृत्य हो गया, न्याय कार्य हो गया, कार्यपालकीय कार्य हो गया इत्यादि, तो इत्यादि बताया जाएगा। आपका इसमें कोई शक नहीं है यानी कि विनफील्ड का मत अधिक उदारवादी है। यह इस बात पर चर्चा करता है कि प्रत्येक विधिक अधिकार के हनन होने पर हर हाल में क्या मिलना चाहिए उपचार, जब तक कि मामला किसी अपवाद में न आए, क्योंकि अपवाद में आ जाएगा तो प्रतिवादी मुआवजा देगा कि बच जाएगा, बच जाएगा, जैसे आपराधिक विधि में बच जाता है। अब विनफील्ड के जहाँ तक समर्थकों की बात है, सबसे ज़्यादा आपका समर्थन विनफील्ड के ही है। समर्थक आपका विनफील्ड को व्यापक स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ, विद्वानों ने इनका समर्थन किया, न्यायालयों ने किया, और आपका कुछ कानून द्वारा किया गया, जजों ने ज़्यादा समर्थन किया, तो आपका कौन कौन इनके समर्थक हैं? तो दो समर्थक याद रखिएगा, एक आपका बो वेन है, एलजे बोवेन, और जो दूसरे समर्थक हैं सर फेडरिक पोलक, यानी कि पोलक ने इनका समर्थन किया है, और आपका कह सकते हैं बोवेन ने, बो वे न। लेकिन आपका जो मुख्य रूप से, हाँ होम्स भी हैं भाई आपका, होम्स आपका, फिर एक बार देखिए, होम्स महोदय ने समर्थन किया है, आपका दूसरा पोलक महोदय ने, और तीसरा बोवेन महोदय ने, लेकिन न्यायालयों ने इनका भरपूर साथ दिया और जजों ने साथ दिया। तो जो जजों का कोटेशन पूछा जाता है, जस्टिस प्राट का पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके, चूंकि भाई तीस और सब्जेक्ट भी आपका चलाना है, एक दो मिनट बाद ब्रेक देंगे आपका, एक दो मिनट और देखिए लास्ट में। कल आपका अभी समर्थकों की लिस्ट बताई जाएगी, और कम से कम 7-8 नए नए अपकृत याद रखना है कि किस केस में नए नए अपकृत्यों का क्या हुआ जन। लेकिन एक आपका बता दिया जाए कि न्यायालयों ने समय समय पर कबूतर खाने से बाहर जाकर नए नए कबूतर खाना बना दिया, यानी कि नए नए अपकृत्यों का क्या किया सृजन। ये जितने भी होंगे ये किसका समर्थन करेंगे? विनफील्ड का। भाई भारत भारत के उच्चतम न्यायालय ने अब तक केवल एक कबूतर खाना बनाया है, यानी कि एक नए अपकृत्य का सृजन किया है, बस एक ही अब तक बना पाया। तो कबूतर खाना बनाने में बड़ी क्या लगता है, समय बिगाड़ने में तो 2 मिनट में लग जाएगा। तो आपका वह है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक ही कबूतर खाना बन पाया इतने सालों में, तो इसको कल हम बताएंगे। थोड़ा इक्विटी भी शुरू कर दिया जाए, भले आधा घंटा ही चले, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाए, क्योंकि भाई ऐसे कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपका आज 45 मिनट लेट हो गया, तो 10 मिनट बाद आपका चलेगा इक्विटी शुरू किया जाए। आपका यूपी मेंस में भी काम करेगा और आपका भाई बिहार प्री में भी ऐसा पढ़ाया जाएगा, यूपी जे मेंस के लिए भी हो जाए और बिहार के लिए भी, दोनों ख़त्म हो जाए।